बोले तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये भावना मैंने हजारों नेताओं के अंदर नहीं देखी। जबकि आज उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, आज केरला में अगर विद्युत के सब स्टेशन के लिए ऊर्जा मंत्री से कितनी बार बात करनी है, ये जरूर है कि आपने बैंक भी बहुत संघर्षशील है, पर उनकी आवाज को सही ताकत कौन दे सकता है? वो काम श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं। आप देखे क्या इन गरीबों में आप हम सब हम और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बेटा बेटी को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उन बेटा बेटी को प्यार एक रोटी कपड़ा मकान एक हिस्सा है, पर सही प्यार उनके अनुकूल वातावरण बने, और वातावरण कब बनेगा? जब आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, आपकी शिक्षा सही होगी और सफाई ठीक होगी और रोजगार के अवसर होंगे। तो आप देखिए वो काम आपके बेटा बेटी के लिए सही रूप से कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज सीपी में मेडिकल कॉलेज दे दिया, मैं गलत कह रहा हूं तो मना कर दो, और सही है तो स्वीकारो इस आत्मा से कि जो कल के भविष्य को कर रहा है आपके लिए। ऐसे व्यक्ति को बार बार सलाम करना चाहिए अभी आपको। आज देखिए शिवपुरी में कॉलेजों की संख्या जाके देखिएगा कितनी है। आज चिंता है देश कार्यक्रम के बाद भी कि शिवपुरी के ग्वालियर के जीएच हॉस्पिटल का आईसीयू कैसा है उसे मुझे देखना है, मेरा दायित्व है। वो सिंधिया परिवार में सोचो कि आज सन 1948 में जो नींव रखी थी पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित हुआ था, उस हॉस्पिटल में आज हम सबको लाभ मिलता है। उस हॉस्पिटल की आज इतने वर्ष में अगर सुधार के लिए किसी ने सोचा है तो वो व्यक्ति है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हमको मैं मंच से बार बार प्रणाम करता हूं महाराज साहब कि हम सब अपने बेटा बेटियों को जो प्यार करते हैं उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, शायद ये ऋण हम न चुका पाए, परंतु हम आपको ये जरूर विश्वास देते हैं कि हम आपके मनसा के अनुरूप आपके ने जो दायित्व संभाला है हमें दिया है उसको हम धनी भाव संभालने की कोशिश आपकी करेंगे। आज महाराज साहब के प्रयास से शिवपुरी में जो किसान ऋण माफी इस बातों के लिए लड़का कौन है सरकार में रह करके सब लोग चुप रहना चाहते हैं, अपने काम देखना चाहते हैं, पर उनको शिक्षकों की चिंता कि उनकी नियुक्ति में क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें किसान ऋण माफी में अगर कोई कमी है तो उस आवाज को आपकी आवाज को सही तरीके से मुख्यमंत्री के सामने और केंद्र के नेतृत्व के सामने रखकर आपकी समस्याओं का समाधान कराने का दायित्व दिया है। आज जो विधवा बहन बेटी और बैठे हुए हैं आज पेंशन पहले 300 रुपये 150 मिलती थी, आज 600 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 600 रुपये अगर 600 मिल रही है तो हाथ उठा दे भैया, मिल रही है 600? तो ये वो व्यक्ति है वो श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जिससे आज 600 रुपये तुम्हारे काम आ रहे हैं। मैं इसके लिए श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहे दिल से आभार करता हूं। आज हम किसानों का ऋण माफी है, आज जो आगे पूरी ट्रेन आपको किसानों को हमारे ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रधानी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देंगे, वो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इन्हीं सब मुद्दों पर अपनी बात हमेशा कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदारी से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।